नमस्कार साथियों सूर्य नगरी लोक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ बात करें आप लोग आज हम लोग आर की तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो आर के लिए है अभी ना सभी लोग परेशान हैं कि आर की वैकेंसी कब आएगी है ना मेरे पास कई सारे मैसेजेस आते रहते हैं मैं आर का एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं है ना आर की कोचिंग मुझे कहाँ से करनी चाहिए कैसे इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे तो आइए बात करते हैं राजस्थान के आर जे एस के राजस्थान जुडिशल सर्विसेज़ एक बहुत अच्छी सर्विसेज है और सबको अच्छी लगती है ठीक है तो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेज आर को पढ़ाती हैं हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर लॉ कंप्लीट पढ़ाती हैं हर संडे टेस्ट भी होते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है साथ ही साथ टाइम टू टाइम बहुत सारे छोटी छोटी क्लासेस भी चलती हैं जिसके अंदर आपको आंसर राइटिंग कैसे लिखनी होती है प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे करने होते हैं डिफरेंसेस वाले कैसे इन सबको लेके काफी सारे काम ये करती हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है आप घर बैठ के भी क्लासरूम जैसी क्लास ले सकते हैं और जोधपुर राजस्थान आके भी हमारे यहाँ क्लासेस ले सकते हैं अब पहला सवाल जो मेरे पास आता है कि आर का एग्जाम कौन दे सकता है तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जुडिशरी मैं सिर्फ राजस्थान जुडिशरी की बात करूंगी तो राजस्थान के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारे यहां पे जो जनरल कैटेगरी है चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो वो 40 साल की उम्र तक 40 इयर्स तक आरजीएस का एग्जाम दे सकती है ठीक है तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करती हूँ बेटा तो पूरा इंडिया कवर होता है इसका मतलब पूरे इंडिया के जो भी मेल और फीमेल है पूरे इंडिया के जो कि जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे राजस्थान में तो वो चालीस साल तक आरजीएस का एग्जाम दे सकते हैं क्लियर नंबर टू राजस्थान में ओबीसी एससी एसटी के लिए एज लिमिट कितनी है उसके लिए नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा ऐसा क्यों बोला क्योंकि बेटा मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो और मैं फॉर्म भरती हूं इसलिए मुझे पता है चालीस साल की है लेकिन बाकी की मुझे नहीं आईडिया तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा लेकिन राजस्थान के अलावा राजस्थान के अलावा जितने भी हमारे पास 27 स्टेट है दिल्ली आज स्टेट है दिल्ली झारखंड उत्तराखंड यू पी बिहार महाराष्ट्र है ना आसम फिर आता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ फिर आता है हमारे पास मध्य प्रदेश फिर आता है हमारे पास गुजरात फिर आता है हमारे पास का घूमने चले पण उत्तराखंड फिर आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा फिर आता है मेरे पास जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी भी हमारे फिर उसके अलावा अंडर निकोबार सारे सारे यूनियन टेरेटरी जितनी भी अपने दिल्ली चंडीगढ़ है ना ये सारी यूनियन टेरेटरी के यानी कुल मिला के इंडिया के जितने भी स्टेट और जितने भी यूनियन टेरेटरी है उनमें रहने वाला हर लॉ स्टूडेंट आर जी एस का एग्जाम दे सकता है चालीस साल तक ठीक है अब आता है तीसरा सवाल मिनिमम एज कितनी है मिनिमम कितनी एज है इक्कीस साल ऐसा क्यों क्योंकि आजकल मैंने कई बच्चों को देखा है जिनकी लॉ बीस साल में भी हो जाती है जिनकी लॉ उन्नीस साल में क्योंकि छोटी क्लासेस जम कर लेते हैं तो लॉ पहले भी हो गई तो भी इक्कीस साल तक उनको रुकना पड़ेगा ठीक है मिनिमम इक्कीस साल अब आता है नंबर फोर जो लॉ अपियरिंग वाला बच्चा है यानी जो लॉ में है फाइनल ईयर का स्टूडेंट फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो है वो भी आरजीएस प्री का एग्जाम दे सकता है आरजेस प्री का एग्जाम दे सकता है ठीक है और जैसे ही उसका प्री क्लियर हो जाएगा तो मेन के एग्जाम से पहले पहले उसके पास अपनी एल की मार्कशीट आ जानी चाहिए ठीक है फिर आता है आपके पास ये कौन सी लैंग्वेज में होता है ये दो लैंग्वेज में में होता है है इसमें हिंदी में पेपर भी आता है और इसमें इंग्लिश में पेपर भी आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है तो दोनों मीडियम दे सकते हैं तो पूरा इंडिया लगभग इंग्लिश सबको आता है हिंदी वाला हिंदी जो स्टेट है वो भी राज्य को दे सकते हैं ये भी हो गया आपके पास उसके बाद आता है आपके पास ये जो इस बार वाला एक सवाल आ रहा है आरजीएस का एग्जाम फॉर्म और एग्जाम 2023 में कब होगा कई बच्चे मैसेज करें जैसा कि मैंने कई बार बच्चों से कहा कि मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी या मैं अपने WhatsApp स्टेटस पे लगा दूंगी मैंने कई बार ये बात आप लोगों को बताई है आज मैं फिर बताती हूँ तो इन दोनों कहीं सारे मैसेज आ रहे हैं तो 2023 का जैसे भी मुझे कहीं से भी थोड़ा सा भी पता चलेगा मैं हंड्रेड आपको बताऊंगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तो सबको पता चले जाएगा अगर इससे पहले अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी क्योंकि यूट्यूब है इसलिए मेरा व्हाट्सअप स्टेटस है इसलिए मैं हंड्रेड परसेंट आपको बताने की कोशिश करूंगी तो ये था कई लोगों का डाउट मैं आर दे सकती हूँ या नहीं मेरी एज ही हो गई ये हो गई अब आता है आरजीएस के प्री की बात करें अपन चले प्री के लिए आरजीएस का प्री का पेपर प्री पेपर में हमारे पास हंड्रेड क्वेश्चन आता है और अभी तक नेगेटिव मार्किंग लास्ट एग्जाम तक तो नहीं थी है ना अगर लास्ट नया नोटिफिकेशन क्या था पता नहीं लास्ट एग्जाम तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ठीक है चलिए राजस्थान में लास्ट एग्जाम तक जीके और जीएस भी नहीं आता है नया क्या आएगा मुझे नहीं पता आरज में कंप्यूटर भी नहीं आता लास्ट एग्जाम तक लास्ट वैकेंसी के अकॉर्डिंग नई वैकेंसी क्या आएगी हमें नहीं पता तो प्री में क्या आता है प्री में 35 क्वेश्चन सिविल से आते हैं 35 क्वेश्चन क्रिमिनल से आते हैं 15 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के आते हैं और 15 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के आते हैं ऐसे करके आर एस में सौ नंबर का पेपर होता है ठीक है चलो ये भी आ गया अब आता सिविल लॉ में क्या क्या सब्जेक्ट हैं सिविल लॉ में जब हम बात करते हैं तो सी पी सी हैं कॉन्ट्रैक्ट हैं टी पी हैं कॉन्स्टिट्यूशन हैं राजस्थान का रेंट कंट्रोल एक्ट है राजस्थान का रेंट कंट्रोल है लिमिटेशन है एस आर ए हैं इंटरप्रटेशन है इतने सब्जेक्ट होते हैं सिविल में एक आध मिस हो जाए तो चेक कर लेना है ना बेटा क्रिमिनल के अंदर आईपीसी है एविडेंस इसमें भी है एविडेंस नीचे भी एविडेंस दोनों आती है यानी जो 35 क्वेश्चन होंगे उस एविडेंस के क्वेश्चन भी आएंगे और जो 35 क्वेश्चन होंगे क्रिमिनल के इसमें भी आएंगे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस प्रोबेशन एन एक्ट चैप्टर नंबर सत्रह सिर्फ एक ही चैप्टर है चैप्टर सत्रह एन एक्ट फिर पी डब्ल्यू Act, फिर जे जे एक्ट फिर पोक्सो फिर वर्क प्लेस फिर इंडिसेंट ठीक है तो इतने हमारे क्रिमिनल में होते हैं एक आध कोई मिस हो गया तो आप देख लेना माइनरी मिस होगा मेजर तो मैंने लिख दिए तो सिविल और क्रिमिनल में ऐसे रहता है हिंदी ग्रामर के अंदर संधि समास ये सारे आते हैं संधि समास क्रिया विशेषण विलोम शब्द पर्यावची शब्द मुहावरे लोकक्तियाँ एक शब्द अनेक शब्द युग्म शब्द पूरा हिंदी ग्रामर जो अपने दसवीं में पढ़ते थे ना वो आता है और इंग्लिश ग्रामर में वही जो दसवीं में पढ़ते थे टेंस मॉडल कंजेक्शन पेसीवोज एंटोनियम सीनोनियम है ना डिटमिनल ये जो अपना टेंथ लेवल का जो था वो आता है तो ये होता हमारा प्री का सिलेबस मैन के सिलेबस में ये तो है ही है ये भी कॉमन है हिंदी इंग्लिश में एसेज आ जाते हैं और साथ में जजमेंट राइटिंग और चार्ज फेमिंग ऐड हो जाती है तो एक सुंदर सा छोटा सा सिलेबस है जिसे आप बढ़िया से कर सकते हैं ठीक है फिर आता मेन के अंदर हमारे चार पेपर होते हैं पेपर नंबर वन सिविल का फिर आता है उस दिन हिंदी ऐसे का एक दिन में डे वन में दो पेपर होते हैं मॉर्निंग में सिविल का आफ्टरनून में हिंदी का इसमें ऐसे आते हैं इस पेपर के अंदर जो है हमारे क्या क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉब्लम बेस्ड डिफ्रेंसेज वाले और जजमेंट राइटिंग भी आती है ये पेपर हमारा सौ नंबर का होता है ये पेपर हमारा पचास नंबर का होता है फिर दूसरा पेपर होता है मेन का हमारा सेकेंड पेपर क्रिमिनल का मॉर्निंग में होता है और सेकेंड हाफ में इंग्लिश का इसमें भी ऐसे राइटिंग आती है सिर्फ तीन ऐसे आते हैं इसमें भी तीन ऐसे ही है आते हैं ठीक है क्रिमिनल के अंदर ये सौ नंबर का और ये पचास नंबर का ठीक है अब आता अगले साल के कोई मिनिमम मार्क्स होते हैं तो मुझे जनरल कैटेगरी का पता है बाकी नहीं और हिंदी इंग्लिश में अभी मिनिमम ऐड नहीं किया है लास्ट एग्जाम तक आगे कुछ कर दे तो मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल तो नहीं किया है ठीक है अब आता आरजीएस की तैयारी कैसे करे आरजीएस की तैयारी कैसे कई बच्चे फोन करते हैं हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी तो फिर सेल्फ स्टडी करें ठीक है हम कैसे तैयारी करते हैं हम जो भी कानून पढ़ाते हैं अपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे जो पढ़ाएंगे वो पूरा पढ़ाते हैं है ना तो हम लोगों के यहाँ पे इंस्टीट्यूट है और कोचिंग चलती है हमारे पास आठ महीने का कोर्स होता है राजस्थान का जिसे हम फाउंडेशन बैच बोलते हैं इस फाउंडेशन बैच में हम पूरा लॉ प्लस हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर हिंदी ऐसे इंग्लिश ऐसे जजमेंट राइटिंग कंप्लीट पढ़ाते हैं और बड़े अच्छे से पढ़ाते हैं समझाते हुए पढ़ाते हैं कंसेप्ट क्लियर करते हुए हर शनिवार को हम टेस्ट लेते हैं एवरी सैटरडे हम टेस्ट लेते हैं ठीक है और संडे हम छुट्टी रखते हैं सुबह शाम दोनों टाइम को क्लासेस चलती हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं इसकी क्या फीस है कितने महीने में देनी है क्या इंस्टॉलमेंट है इसके लिए आप मुझे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है सोलह जनवरी से जनवरी 2023 से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के फाइव रजिस्ट्रेशन फीस दे के तीन दिन तक क्लास में बैठ सकते हैं आपको लगता है समझ में आ रहा है आपको कंटिन्यू करना है तो देन जो इसके आर्जेस की फीस है वो सबमिट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ाने का जो हमारा तरीका होता है हाल ही में मेरे दो वीडियो जारी हुई क्लासरूम के वो देखिएगा हम लोग अच्छे से पैर के एक ही चीज पढ़ाते हैं हम ये मानते हैं कि किसी को जाए किसी भी कॉलेज के पढ़ के आओ कॉलेज में बहुत शॉर्टकट पढ़ा देते हैं तो हम लोग जीरो से पढ़ाते हैं एक एक सेक्शन की रीडिंग कराते हैं उसका रीजन यही है क्योंकि अगर हम एक एक सेक्शन की रीडिंग नहीं करेंगे ना तो आप नहीं समझ पाओगे माइनर एक्ट को भी कराते हैं जो काम के सेक्शन नहीं होते तो उनको सिर्फ उसके बारे में समझा देते हैं टाइटल पढ़ा के आगे चल देते हैं छोड़ते कुछ नहीं उसका रीजन ये है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है प्री में प्री का कुछ पता नहीं है मैन इसे सेलेक्टेड तो हम क्लास में लिखाते रहते हैं लिखो इसको प्री के लिए लिखो इसको मैन के लिए लिखो इसको इंटरव्यू के लिए वो साथ साथ चलता रहता है टू वे कम्युनिकेशन होते हैं एक दूसरे से पूछा भी जा सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग में क्लासेस चलते हैं राजस्थान चोडीसी की आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा आपको क्लास से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए कि कैसे क्या रहता है अलग से टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है अलग से प्री की टेस्ट सीरीज भी है अलग से मेन की टेस्ट सीरीज भी है अलग से मॉक इंटरव्यू भी करवाते हैं आप कल मॉक इंटरव्यू के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो उसे कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से हमारी क्लासेस चलती हैं आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी कोई क्वारी तो मुझे कॉल करें ठीक है तो जैसे ही मुझे आर्जेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कब आर्जेस आ रहा है मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी ठीक है चलिए आज के लिए धन्यवाद